हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय टूडेज लेक्चर ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द टॉपिक इज गेमीटोजेनेसिस इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैड टोल्ड यू अबाउट टेस्टीज एंड ओवरीज टेस्टीज़ के बारे में मैंने बताया था कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं और इनके दो फंक्शंस होते हैं पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन और दूसरा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमी दैट इज स्पर्म्स इसी तरह से फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको ओवरीज कहते हैं और इनके भी दो काम होते हैं प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज ओवा तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि टेफ्टीज़ और ओवरीज में गैमीट्स कैसे बनते हैं और गैमीट्स बनने की इस प्रोसेस को जो टेफ्टीज और ओवरीज में गैमीट्स बन रहे हैं इन गैमीट्स के बनने को प्रोसेस को ही हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस अब टेफ्टीज जो कि गैमीट्स बनाएंगे स्पर्म्स तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवरीज बनाती हैं ओवा तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऊ और अगर इन दोनों प्रोसेस को एक साथ बोलें यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊ इन दोनों प्रोसेस को एक साथ बोलें तो हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज गैमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इन द गोनाड्स इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली इन द मेल एंड फीमेल गोनाइड्स दैट इज टेस्टीज एंड ओवरीज अभी मैंने आपको बताया कि गैमिटोजेनेसिस के प्रोसेस में गैमिट्स बनते हैं गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है गोनाइड्स में और ये गोनाइड्स क्या है गोनाइड्स हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल्स में टेस्टीज और फीमेल्स में ओवरीज जिनमें कि गैमिट्स बनते हैं यानी कि स्पर्म और ओवा द ओवरऑल प्रोसेस इज कंट्रोल बाय गोनाइडोट्रॉफिक हॉर्मोन्स दैट इज एफ एस एच एल एच आई सी एस एच एक्सेट्रा सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो पूरा प्रोसेस है गेमीटोजेनेसिस का चाहे वो मेल्स में हो या फीमेल्स में हो ये कौन कंट्रोल करता है वो कुछ हार्मोन्स हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको इस परमेटोजेनेसिस की जब प्रोसेस में डिटेल में जाऊंगा या ऊ की प्रोसेस में भी डिटेल में जाऊंगा तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जिसको कि हाइपोफाइसिस भी कहते हैं तो वहाँ से ये गोनेडोट्रॉफिक हारमोन्स रिलीज होते हैं एफ एस एच एल एच और आई सी एस एच इनके फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो पूरा प्रोसेस है गैमीटोजेनेसिस का वो इन हॉर्मोन्स के कंट्रोल में रहता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और द स्पोम इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दैट ऑफ फीमेल गैमीट और ओवा इज नोन एज ओ यानी कि मेल गैमीट्स के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस क्योंकि वहाँ पे स्पोम्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्पॉम्स का बनना जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन जैसे कि गैमीटोजेनेसिस गैमीट और जेनेसिस ये दो वर्ड से बना हुआ है जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमिट्स का फॉर्मेशन ठीक उसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट ऊ जेनेसिस यानी कि ओवा का जेनेसिस फॉर्मेशन नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस द दीज आर फॉर्मड ऑफ न्यूमरस सेमिनिफेरस सेमिनिफेर हेल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यूज ईच सेमिनिफेरस सेमिनिफेरब्यूल कंटेन्स प्राइमोडियल जर्म सेल अंडरगोइंग डिफरेंट फेजेज ऑफ मैच्योरेशन स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ मेरा जो पिछला लेक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उसमें मैंने आपको बताया था कि टेफ्टीज में कई सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर प्राइमरी जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं और यही प्राइमरी जर्म सेल्स मैच्योर करेंगे और मैच्योर होने के बाद ये बनाएंगे स्पर्म और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी जर्म सेल्स जो है वो लगातार मैच्योर करते रहते हैं सेल डिवीजन उनमें होता रहता है और वो कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट लाइफ प्यूबर्टी से लेकर थ्रू आउट लाइफ वो कंटिन्यू करते रहते हैं रुकते नहीं हैं यानी इस्पर्म्स का फॉर्मेशन जो है ह्यूम्स मेल्स में नॉर्मल केसेज में रुकता नहीं है ठीक है आगे देखिए सो द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नेवर सीजेज नॉर्मली एंड सो मेल्स डू नॉट हैव एंड्रोपॉज एज मीनोपॉज इन फीमेल्स तो इस वजह से ह्यूमन्स में ह्यूमन मेल्स में, हुँमन्स में स्पर्म का प्रोडक्शन रुकता नहीं है नॉर्मल केसेस में नहीं रुकता है कोई एब हो गई कोई डिजीज वगैरह हो गई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन रुक जाएगा वरना नॉर्मल केसेस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं रुकता है क्यों क्योंकि सेमिनिफेरस टिब्यूज के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं उनमें कंटिन्यूस डिवीज़न्स हो रहे हैं और लगातार स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस वजह से जो लास्ट लाइन मैंने बोली इस वजह से मेल्स में जनरली एंड्रोपॉज नहीं होता है एंड्रोपॉज का मतलब स्पर्म्स या गैमीट्स बनने की प्रोसेस रुक जाना प्रोसेस मेल्स में नहीं होता है जबकि फीमेल्स में मीनोपॉस हो जाता है मीनोपॉस का मतलब होता है कि फीमेल गैमीट या ओवा का बनना रुक जाता है ठीक है तो मेल्स में एंड्रोपॉज जैसा कोई टर्म नहीं है मेल्स में गैमिट बनना नहीं रुकते हैं जबकि फीमेल्स में गैमिट्स बनना एक पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाते हैं अब ये क्यों होता है ये आपको अभी आगे डिटेल में समझाएंगे लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि मेल्स में स्पॉन्स बनना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ इन नॉर्मल केसेस एंड फीमेल्स में मीनो हो जाता है एक पर्टिकुलर एज तक ही बनते हैं नाउ स्पर्मैटोजेस इंक्लूड्स टू स्टेजेस फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटेड फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल्स एंड सेकेंड इज मेटामोसमैट इन टू फंक्शनल स्पॉन्स जो पहला प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्मैटेड बनते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स से ये कहाँ होते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स अभी मैंने बताया आपको प्राइमरी जर्म सेल्स ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं तो इन प्राइमरी जर्म सेल से, से स्पर्माटिड्स बनता है पहले प्रोसेस में और जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें इन स्पर्माटिड्स का मेटामोरफोसिस होता है टू तो फॉर्म फंक्शनल स्पर्म्स तो शुरू करते हैं पहले प्रोसेस है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिड्स इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस पहला फेज है मल्टीप्लीकेशन फेज इन दिस फेज द स्पर्मेटोगोनिया और द स्पॉम मदर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी जर्म सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथीलियम थ्रू माइटोसिस इस फेज में प्राइमरी जर्म सेल्स जो कि जर्मिनल एपिथीलियम में प्रेजेंट हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के जर्मिनल एपिथीलियम में प्रेजेंट हैं ये प्राइमरी जर्म सेल्स इनमें माइटोसिस होगी और माइटोसिस के थ्रू इन प्राइमरी जर्म सेल से बनेगा स्पर्मेटोगोनिया देखिए सीक्वेंस याद रखिएगा ये सीक्वेंस बड़े काम का है क्योंकि अगर आप सीक्वेंस भूल जाएंगे तो वन मार्क क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है बोर्ड्स में कि कौन से सेल से क्या बनता है तो अगर आप सीक्वेंस नहीं याद रखेंगे तो वन मार्क क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर सीधे जीरो मिलता है फाइव मार्क क्वेश्चन या थ्री मार्क क्वेश्चन अगर आता है उसमें आप कुछ गलत कर देंगे तो आपको एक दो मार्क्स कम मिल जाएंगे लेकिन अगर वन मार्क क्वेश्चन में आप गलती करेंगे तो सीधे जीरो मिलेगा तो वन मार्क क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं होता है आइर वन और जीरो तो ये जो स्टेप्स हैं इनको आप ध्यान से सुनिएगा अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा वहाँ पर आप डायग्राम से टैली करिएगा कि कौन सा सेल से क्या बनता है वो सीक्वेंस आपको याद रखना है तो पहला जो प्रोसेस है जिसमें कि प्राइमरी जर्म सेल्स उनमें माइटोसिस हो रही है और उनसे बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया कहिए या स्पर्म मदर सेल कहिए ठीक नाउ ईच स्परमेटोग एंड फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स एंड डिवाइड बाई माइटोसिस इंटू टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस इस लाइन को फिर से आप ध्यान से सुनिएगा मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक स्पर्मेटोगोनिया ये जो स्पर्मेटोगोनिया किससे बना था प्राइमरी जर्म सेल से किस प्रोसेस से बना था माइटोसिस से बना था तो ये स्पर्मेटोगोनिया कैसा होगा हेप्लॉइड या डिप्लॉइड माइटोसिस से बना है ना तो माइटोसिस तो आपने क्लास एलेवन में पढ़ रखा है कि माइटोसिस से जो भी सेल बनेगा वो सेम क्रोमोसोम नंबर का होगा तो प्राइमरी जर्म सेल्स डिप्लॉइड होते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया भी जो है वो डिप्लॉइड होगा वही यहां पर लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होता है और उसमें भी 46 सिक्स क्रोमोसोम्स होते हैं अब इस स्पर्मेटोगोनिया में, इस में फिर से माइटोसिस होगा ठीक है इस स्पर्मेटोगोनिया में फिर से माइटोसिस होगा तो क्या बनेंगे दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब माइटोसिस से बन रहे हैं देखिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बन रहे हैं माइटोसिस से बन रहे हैं तो ये भी क्या होंगे डिप्लॉइड होंगे सेम क्रोमोसोम नंबर स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड है माइटोसिस होगा तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर तो चेंज होता नहीं है तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे वो भी डिप्लोइड बनेंगे अब लास्ट लाइन इसकी देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस किसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब हुआ कि स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस के थ्रू जो दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना नेक्स्ट फेज इज ग्रोथ फेज ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड लार्जेज इन साइज एंड प्रिपेयर्स टू अंडरगो मीओटिक डिवीजन देखिए नाम सही लग रहा है ग्रोथ फेज तो यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ होगी किसी भी तरह का माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा ठीक है सिर्फ ग्रोथ होगी अब किसकी ग्रोथ होगी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया उसमें आखिरी सेल क्या बना था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब एंटर करेंगे ग्रोथ फेज में और उनका ग्रोथ होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की इस ग्रोथ फेज में ग्रोथ होती है वही सामने आपके लिखा हुआ है कि एन इन साइज अब साइज में ये क्यों बढ़ते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की ग्रोथ क्यों होती है टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन क्योंकि अब इसके बाद मियोटिक डिवीजन शुरू होने वाला है जो अगला फेज आएगा उसमें मियोसिस होगी तो मियोसिस यानी कि सेल डिवीजन के लिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपने आप को प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज नाउ द थर्ड फेज मैच्योरेशन फेज ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडर गोस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इस फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए क्लास इलेवेंथ के क्लास इलेवंथ मैंने पढ़ा था कि मियोसिस जो है वो दो स्टेप में होता है मियोसिस वन और मियोसिस टू और मियोसिस वन जो है उसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस वन में ही क्रोमोसोम नंबर हाफ़ हो जाते हैं मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं यह ध्यान रखिएगा अगर आपने पढ़ा होगा कायदे से क्लास इलेवन में तो आपको याद होगा ये चीज कि मियोसिस वन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं इसीलिए मियोसिस वन को रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं अब उस चीज को आप यहां टैली करिए कि यहां लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मीओटिक डिवीजन होता है तो सीधी सी बात है कि अब जो इससे दो सेल बनेंगे उसमें आधे क्रोमोसोम नंबर पाए जाएंगे तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है डिप्लॉइड है यानी कि 46 सिक्स हैं तो अब इनसे जो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फर्स्ट मीओटिक डिवीजन की वजह से जो बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा हैप्लॉइड होगा ठीक है क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो डिप्लॉइड था और उसमें मियोसिस हो गई तो ये सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट बना ये हैप्लोइड हुआ ठीक नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म फोर हैप्लोइड अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब फॉरन हो जाएगा मियोसिस टू यानी कि सेकेंड म्योस सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो क्या बन जाएंगे चार हैप्लोइड स्परमैटिड दो थे ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने थे दो बने थे तो अब दोनों में हो जाएगी मियोसिस मियोसिस टू क्या है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे अब आपने जो भी पढ़ा उसको आप डायग्राम से टैली करिए सबसे ऊपर लिखा है प्राइमरी जर्म सेल्स ये डिप्लॉइड होते हैं इन प्राइमरी जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी तो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया में फिर से माइटोसिस होगी तो बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगी तो दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे ध्यान रखिएगा अभी इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इन क्वेश्चन में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है तो इस डायग्राम को अगर आपने सही से समझ लिया और थ्योरी को आपने टैली कर लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं छूटेगा ना ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो ये ध्यान से सुनिएगा स्पर्मेटोगोनिया एक स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हो रही है बन रहे हैं टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस हो रही है तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं डिप्लॉइड और थ्योरी मैंने आपको बताया कि इसी प्रोसेस को यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज में एंटर करेगा वहाँ ये साइज में इलाज करेगा और अपने आप को जो नेक्स्ट म्योर्टिक डिवीज़न है उसके लिए प्रिपेयर करेगा जो कि मैचूरेशन फेज में म्योसिस होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर करेगा ठीक है अब नेक्स्ट है मैच्योरेशन फेज जिसमें ये प्राइमरी स्पेरमेटोसाइट डायग्राम देखिए जिसमें ये प्राइमरी स्पेरमेटोसाइट में फर्स्ट म्योर्टिक डिवीज़न होगा और क्या बन रहे हैं दो सेकेंडरी स्पेमेटोसाइट डायग्राम ध्यान से देखिए एक प्राइमरी स्पेरमेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्परमेटोसाइट बन रहे हैं क्लियर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है और ये दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होंगे म्योसिस से बने हैं ना तो हैप्लॉइड होंगे ठीक और फिर फौरन इन्हीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तो आप डायग्राम देखिए एक एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो दो स्परमैटिट बन रहे हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन है, है चूंकि तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो रिडक्शनल डिवीजन होता नहीं है क्रोहसो नंबर सेम रहते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटिड बन रहे हैं वो प्लॉइड बनेंगे यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने क्रोमोसोम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में उतने ही क्रोमोसोम स्पर्मेटिड्स में रहेंगे तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स बन जाएंगी ठीक है और इन्हीं स्पर्मेटिड्स का अब आगे डेवलपमेंट होगा मैच्यन होगा टू फॉर्म फंक्शनल स्पर्म्स अब जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप ध्यान से सुनिए वो मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं देखिए आप डायग्राम डायग्राम में। डागराम में इसीलिए मैंने एक ही प्राइमरी पर बनाया हुआ है तो एक प्राइमरी से कितने बन रहे हैं नीचे देखिए सबसे ऊपर क्या था एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना कितने स्पर्म बन रहे हैं चार क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं अब आप किसी भी तरफ देखिए अपने डायग्राम में लेफ्ट देख लीजिए राइट देख लीजिए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पेरमेटेड बन रही हैं और इन दो स्परमेटेड से दो स्पर्म बन रहे हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के केस में आंसर क्या होगा टू टू स्पॉम्ब्स और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर पूछा गया तो आंसर होगा फोर स्पॉम्ब्स इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म बनते हैं जबकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पॉन्स बनते हैं तो अब तक हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला प्रोसेस जो कि था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी स्पर्मेटिड्स का बनना फ्रॉम द प्राइमरी जर्म सेल्स अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी जो स्पर्मेटिड्स ये बन गए हैं अब इनका मेटामॉर्फोसिस होगा इनटू फंक्शनल स्पॉम्स

उस प्रोसेस को बोलेंगे कैपेसिटेशन तो स्पर्मेट जो स्पर्मेटोजेनेसिस है तो ओवरऑल जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लगभग तीन प्रोसेस में डिवाइडेड हो गई पहला प्रोसेस तो ये था जिसमें स्पर्मेटिड्स बन गए थे ठीक है और दूसरा जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं जिसमें स्पर्मेटिड्स का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है स्पॉन्स बनना तो डायरेक्ट स्पर्मेटिड से स्पर्म नहीं बन रहे हैं पहले स्पर्मेटिड से बन रहा है स्पर्मेटोस हुआ जिसको मैंने बताया स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटीलोजेनेसिस कहते हैं और फिर इन स्पर्मेटोजोआ से बनते हैं स्पर्म जो फंक्शनल स्पर्म होते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा पहले स्पर्मेटिड बनेगा स्पर्मेटिड से स्पर्माटाजोआ बनेगा बाय प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस और फिर स्पर्मेटाजोआ से जो है वो फंक्शनल स्पर्म बनेगा इस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन अब ये जो स्पर्मेटिड से एक फंक्शनल स्पर्म बन रहा है पहले स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजुआ बनेगा उसके बाद फंक्शनल स्पर्म बनेगा तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं अब वो हम पढ़ेंगे द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटेड श्रिंक क्रोमोसोम बिकम क्लोजली पैक्ड एंड एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गोलजी कॉम्प्लेक्स तीन प्रोसेस मैंने बताए पहला जो स्पर्मेटेड का न्यूक्लियस है वो श्रिंक कर जाएगा छोटा हो जाएगा क्रोमोसोम और क्लोजली टाइटली पैक हो जाएंगे और एक्रोसोम जो स्पोम के हेड में होता है भी स्पॉम का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको एक्रोसोम दिखाई पड़ेगा उसका फंक्शन ये बताऊंगा मैं तो ये जो एक्रोसोम है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी से बनता है द एक्सियल फिलामेंट ऑफ ऑफ द द द द टेल इज इज बाय एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मिडिल पीस टू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पोम स्पोम की टेल में जो एक्सियल फिलामेंट होता है वो स्पर्मैटेड के डिफ्टल सेंट्रियोल से बनता है ये टर्म याद रखिएगा कि एक्सियल फिलामेंट जो होता है स्पोम की टेल में प्रेजेंट होता है वो स्परमैटिड के किस पार्ट से बनता है डिफ्टल सेंट्रियोल ठीक है थीके? और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होता है स्पर्म को जो कि मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है तो नाउ द स्पर्म विच इज फाइनली फॉर्म्ड इन द सेमिनिफेरफ टिब्यूल्स ये स्पर्म कहां बन रहे थे के अंदर बन रहे थे तो अब इन स्पर्म्स का रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरफ टिब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन लाइन देखिए आप द रिलीज ऑफ अ फाइनली फॉर्मड स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरफ टिब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन क्लियर नाउ द टोटल टाइम टेकन फ्रॉ फॉर अ प्राइमरी जर्म सेल टू डिफ्रेंशिएट इन टू अ फंक्शनल इस्पर्म इज अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव डेज ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया पंद्रह मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस लगभग सिक्सटी से सेवेंटी फाइव डेज का समय लेता है ये यानी कि प्राइमरी जर्म सेल से जो अब तक मैंने बताया प्राइमरी जर्म सेल से सारे प्रोसेस होते हुए फंक्शनल इस्पर्म बनने के प्रोसेस ये लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव डेज का टोटल टाइम लेते हैं नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इट इज अ मोटाइल मेल गैमिट फॉर्म टू फ्यूज विद द ओवम टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये एक मोटाइल मेल गैमिट है जिसका फंक्शन है ओवा से फ्यूज करना यानी कि फर्टिलाइजेशन करना और एक फंक्शनल जाइगोट बनाना नाउ इट इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स हेड मिडल पीस एंड अ लॉन्ग टेल द फर्स्ट पार्ट हेड इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म कंसिस्टिंग ऑफ एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस हेड जो कि सबसे पहला पार्ट है स्पर्म का डायग्राम देखिए आप सबसे पहला पार्ट है स्पर्म इस का इसमें दो मेन चीजें होती हैं पहला न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस जिसमें कि 23 थ्री क्रोमोसोम्स हैं ठीक है यही 23 थ्री क्रोमोसोम्स जो है वो ओवा के 23 थ्री क्रोमोसोम से जाके फ्यूज करेंगे और 46 सिक्स क्रोमोसोम वाला जाइगोड बनाएंगे तो ये तो हो गया न्यूक्लियस और इसके ऊपर आपको देखिए एक्रोसोम दिख रही होगी एक लेयर ठीक है आउटर लेयर एक्रोसोम नाउ इस एक्रोसोम का काम क्या होता है द एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स हाइड्रोलाइजिंग एनजाइम्स प्रोटीएज एंड पॉलीसैक्राइड विच हेल्प द टू स्पेनेट्रेट थ्रू द एग मेम्ब्रेन ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्रोसोम का और ये फंक्शन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कि एक्रोसोम का फंक्शन क्या है तो यहां पे पढ़ लेते हैं एक्रोसोम जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये स्पर्माटेड में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उससे ये एक्रोसोम बनता है इसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होती हैं एंजाइम्स प्रोटीएजेस और पॉलीसैक्राइड्स की बनी होती हैं ये दोनों टर्म ध्यान रखिएगा बोर्ड्स में तो ये टर्म कम पूछे जाते हैं लेकिन नीट में ये दोनों टर्म्स काफ़ी पूछे जाते हैं कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो होती हैं उनका नेचर कैसा होता है किस चीज़ से बनी होती हैं तो प्रोटीएजेस और पॉलीसैक्राइड्स ठीक है विच हेल्प द स्पॉन टू पेनेटेड थ्रू द एग मेम्ब्रेन यानी कि ये एक्रोसोम में जो एंजाइम होती हैं वो एग मेम्ब्रेन को डिजोल्व करती हैं एग मेम्ब्रेन मतलब जोना पेल्यूसिडा आपने मेरा अगर सेकेंड लेक्चर देखा हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो उसमें मैंने आपको ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बताया था और ग्रेफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ओवा होता है इट इज सराउंडेड ओवा मतलब जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है प्राइमरी फॉलिक्यूल है वो सराउंडेड है बाय अ लेयर नोन है जोना ठीक है और इसी जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके स्पर्म अंदर आता है क्लियर तो ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो एक्रोसोम में है वो उनका काम यही होता है कि एग मेम्ब्रेन यानी कि जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके ये ओवा के अंदर पहुंचे स्पर्म नाउ द नेक्स्ट द न्यूक्लियस कंसिस्ट एंटायरली ऑफ डीएनए प्रोटीन ये जो न्यूक्लियस है स्पर्म के अंदर जो मैंने अभी पहली लाइन में आपको बताया कि एक्रोसोम और न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं द डीएनए इज़ डेंसली पैक्ड एंड द प्रोटीन्स आर बेसिकली हिफ्टोन्स डीएनए जो न्यूक्लियस का है वो टाइटली पैक होता है बहुत कंडेंस uh, होता है और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर वो बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं हिफ्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ क्या होता है यू सेल में जो डी होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है और छोटी सी जगह यानी कि न्यूक्लियस के अंदर उस डीएनए को रहना है तो डीएनए एन जनरली कॉइल्ड और रैप्ड अराउंड सम प्रोटीन डीएनए किसी प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड या रैप होता है और उन प्रोटीन्स को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन्स तो इसीलिए यहाँ पर हिस्टोन भी प्रेजेंट है और डी भी प्रेजेंट है हिस्टोन इसलिए प्रेजेंट है ताकि उसके ऊपर ये डी रैप रहे और यू सेल अगर आपने क्लास नाइन्थ पढ़ा हो तो यू सेल जो है उसका जो मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियस का वो हिस्टोन होता है हिस्टोन जरूरी है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि उनका डीएनए छोटा होता है कॉयलिंग की जरूरत नहीं होती इसलिए वहां पर प्रो में हिस्टोन एबसेंट होते हैं लेकिन यू में हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं ना द नेक्स्ट पार्ट मिडिल पीस इट लाइज इमीजिएटली बिहाइंड द हेड रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पाइरल रो ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये सेकेंड पार्ट है हेड के बाद प्रेजेंट होता है मिडिल पीस और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल रो प्रेजेंट होती है ना द फ्रक्टोज प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूड सर्वज एज द रॉ मटीरियल विच इज़ ब्रोकन डाउन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज एनर्जी सेमिनल फ्लूड या सीमिन में जो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है वो रॉ मटेरियल की तरह से काम करता है और इस फ्रक्टोज का माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन करता है टू रिलीज एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज बाय द स्पर्म फॉर इट्स मोटिलिटी नेक्स्ट द एंटीरियर नेरो पार्ट ऑफ द मिडिल पीस लाइंग जस्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस ऑफ द हेड इज ऑफन डेजिग्नेटेड एज नेक इन विच लाइज द प्रोक्सीमल सेंट्रीओल एंड डिस्टल सेंट्रियोल देखिए जो मिडिल पीस का एंटीरियर पार्ट है आप डायग्राम में देखिए मिडिल पीस का जो ऊपरी हिस्सा है यानी हेड के जस्ट बाद जहाँ से मिडिल पीस शुरू हुआ है वहां पे देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है ठीक है और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको बोलते हैं नेक ठीक समझ में आ रहा है डायग्राम में हेड के बाद मिडिल पीस और बीच में एक जरा सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्टेड एरिया को बोलते हैं नेक इसमें प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं अब यहां पे मैं आपको बता दू दो, इन दोनों सेंट्रियोल का काम क्या होता है फंक्शन क्या होता है देखिए जो डिस्टल सेंट्रियोल है उससे तो टेल का एक्जियल फिलामेंट बन जाता है और ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है प्रॉक्सिमल का मतलब ऊपर वाला पहले वाला डिस्टल का मतलब होता है बाद वाला नीचे वाला जो है ठीक है तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रीओल है जो कि हेड के जस्ट बाद प्रेजेंट है नेक में ऊपर की तरफ अगर प्रेजेंट है ये आप डायग्राम देखिए नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है डिफ्टल पीछे होता है तो हेड के जस्ट बाद प्रेजेंट है तो जब फर्टिलाइजेशन होना होता है और स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करके ओवा के अंदर जाता है तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रीओल भी साथ साथ ओवा के अंदर जाता है ठीक है तो हेड का जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो फ्यूज करके जाइगोट बना लेंगे ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पीछे पीछे क्यों गया है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है जाइगोट बनने के बाद अब इस जाइगोट में जो सेल डिवीज़न होगा सेल डिवीजन को एनिमल सेल में अगर आपने पढ़ा हो तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय सेंट्रियोल ठीक है बिना सेंट्रियोल के सेल डिवीज़न नहीं हो सकता सेंट्रियोल क्योंकि यहाँ पे जो स्पेंडल फाइबर्स बनेंगे वो सेंट्रीओल बनाएगा तो अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो स्पेंडल फाइबर्स कौन बनाएगा तो इसलिए सेल डिवीजन को इनिशिएट करने के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ओवा के अंदर जाता है क्लियर नाउ द थर्ड पार्ट टेल इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पोम एंड इट्स वाइब्रेटिंग मूवमेंट हेल्प द स्पोम इन मोर्टिलिटी विच इज एन असेंशियल फीचर फॉर मेल फर्टिलिटी टेल जो कि स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट है और इसमें जो मूवमेंट होते हैं ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये मोटिलिटी मेल फर्टिलिटी के लिए एसेंशियल फीचर है इम्पॉर्टेंट फीचर है अगर टेल में मूवमेंट नहीं होगा तो स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होगी और अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो ये फिर फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ कैसे एम्पोला तक पहुँचेगा और फर्टिलाइज़ करेगा ओवा को ठीक है तो मोटिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ द टेल ऑफ एन एक्सियल फिलामेंट हुज स्ट्रक्चर इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ सीलिया और फ्लैजिला विद नाइन प्लस टू अरेंजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स देखिए द टेल कंसिप्ट ऑफ एन एक्सियल फिलामेंट ये मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं कि टेल में एक्सियल फिलामेंट होता है किसने बनाया ये एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल ने ठीक है ये जो एक्जिल फ्लामेंट है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सीलिया और फ्लैजिला के बेसिक स्ट्रक्चर से एग्जैक्टली मिलता जुलता है सीलिया और फ्लैजिला में भी नाइन प्लस टू अरेंजमेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ़ाइबर्स के ये भी आपने आ, क्लास इलेवेंथ में पढ़ा होगा कि सीलिया और फ्लैजिला में नाइन प्लस अरेंजमेंट होता है नाइन जो फाइबर्स होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं और दो फाइबर्स बीच में होते हैं तो जो सीलिया और फ्लैजिला में जो अरेंजमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स का सेम वही अरेंजमेंट एक्जियल फिलामेंट का टेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो स्पर्म की टेल का है या सीलिया फ्लेजिला का है वो सेम होता है सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऊजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट या ओवा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमिट इज कॉल्ड ऊ जेनेसिस मैच्योर फीमेल गैमिट यानी कि ओवा बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ऊ जेनेसिस इट स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी ऊसाइट बाई अ प्रोसेस कॉल्ड ऊसाइटोजेनेसिस दिस प्रोसेस अकर्स बिफोर बर्थ देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है ऊ जेनेसिस का इसकी शुरुआत होती है प्राइमरी ऊसाइट के बनने से और ये प्राइमरी ऊसाइट बनने के प्रोसेस को कहा जाता है ऊसाइटोजेनेसिस और ये प्रोसेस बर्थ के पहले से ही शुरू हो जाता है बर्थ के पहले से मेरा मतलब है कि फीमेल चाइल्ड की बर्थ होने से पहले यानी कि जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है जब वो यूट्रस के अंदर अभी डेवलप हो रहा है फीमेल चाइल्ड उसी समय उसकी ओवरी में ये प्राइमरी ऊसाइट का बनना शुरू हो जाता है अब जरा सा अगर आप डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर मेल्स में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं वो कब बनते हैं प्यूबर्टी के बाद ठीक है जब प्यूवर्टी शुरू हो जाती है उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं फीमेल्स में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फीमेल चाइल्ड की बर्थ से पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ से बनते हैं कौन बनाता है इसको आगे देखिए द जर्मिन लेपिथीलियम प्रोड्यूसेज ऊगोनिया विच अंडर गो माइटोसिस टू फॉर्म प्राइमरी ऊसाइट जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है ओवरी का जो जर्मिनल एपिथीलियम होता है ये ओवरी में जर्मिनल एपिथीलियम कहाँ होता है ये भी मैं आपको सेकेंड पार्ट में बता चुका हूँ जो लेक्चर का मेरा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें मैंने आपको बताया था कि ओवरी की जो लाइनिंग होती है उसको जर्मिनल एपिथीलियम बोलते हैं और वो जर्मिनल एपिथीलियम माइटोसिस परफॉर्म करेगी और माइटोसिस से बनाएगी ऊगोनिया और फिर इस ऊगोनिया में माइटोसिस अगेन फिर से माइटोसिस होगा तो यह बनाएगा प्राइमरी अब आप इस लाइन को स्पर्मेटोजेनेसिस कंपेयर करिए में मैंने बताया था कि माइटोसिस से बनता है स्पर्मेटोगोनिया और फिर में माइटोसिस होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा सेम यहां पर वही चीज है बिल्कुल यहां पर भी एपिथीलियम है यहां पर बनेगा उगोनिया और फिर उसे माइटोसिस होगी तो बनेगा प्राइमरी ऊसाइट तो अगर बिल्कुल एक जैसा प्रोसेस चल रहा है याद करने में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जर्मिनल एपिथीलियम दोनों ही केस में मेल फीमेल में मेल में बन रहा है स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से फीमेल में बन रहा है ओगोनिया ठीक है और फिर मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फीमेल में क्या बन रहा है प्राइमरी ऊसाइट नाउ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ दिस प्राइमरी ऊसाइट आल्सो स्टार्ट बिफोर बर्थ बट इज अरेस्टेड एट लाइन को ध्यान से समझिएगा ये जो प्राइमरी ऊ साइट है अगर आप थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस ध्यान रखिए तो स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बताया था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगी तो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पर भी प्राइमरी ऊ में मियोसिस होगी और वह बनाएगा सेकेंडरी ऊसाइट लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है पूरी कहानी में अब ट्विस्ट क्या है उसको समझिए आप यहाँ पर जो प्राइमरी ऊसाइट में जो पहला मियोटिक डिवीज़न हो रहा है वो भी बर्थ के पहले हो रहा है फीमेल चाइल्ड की बर्थ के पहले हो रहा है बट इज़ अरेस्टेड एट प्रोफेजन ऑफ मियोसिस वन लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है मियोसिस वन का जो प्रो फेज़ वन है वहीं पर ये प्रोसेस रुक जाता है यानी कि शुरुआत तो हो जाती है जो प्राइमरी ऊ साइट है उसमें मियोसिस की शुरुआत हो जाती है लेकिन वो इनिशियल स्टेज में मियोसिस वन का प्रोफेज वन तो बड़ी ही इनिशियल स्टेज हुई ना बस ये यहीं पर ये प्रोसेस रुका रहता है ठीक और ये प्रोसेस यहाँ पर कब तक रुका रहेगा आगे देखिए द प्रोसेस कंटिन्यूज आफ्टर प्यूबर्टी प्राइमरी ऊ साइट जो कि मियोसिस वन के प्रोफेज़ वन पर रुकी हुई थी बर्थ से पहले ही ये शुरू हो चुका था म्यूर्टिक डिवीज़न तो अब ये यहाँ पर रुका रहेगा उसके बाद तो फीमेल चाइल्ड की बर्थ हो जाएगी बर्थ होने के बाद वो फीमेल चाइल्ड प्यूबर्टी तक पहुँचेगी अब ये सेल डिवीजन जो प्राइमरी ओसाइट का म्यूर्टिक डिवीज़न है अब स्टार्ट करेगा फिर से या इतनी देर तक रुका ये रुका रहेगा ये लगभग प्यूबर्टी यानी कि तेरह साल चौदह साल तक ये पूरा प्रोसेस यहीं पर रुका रहेगा प्राइमरी ओसाइट का ठीक आफ्टर प्यूबर्टी ईच प्राइमरी ओसाइट गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड आर नाउ कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी के बाद ये सभी प्राइमरी ओसाइट ये ग्रैन्युलसा सेल से सराउंड हो जाएंगी ग्रेन्युलसा सेल्स ये भी मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था ग्रेन्युलोसा सेल्स आर द साइट ऑफ एस्ट्रोजन हॉर्मोन एस्ट्रोजन हारमोन जो है वो इन्हीं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलसा सेल से रिलीज होता है ठीक है तो प्यूबर्टी के बाद ये जो प्राइमरी ऊसाइट है इसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो सराउंड हो जाएंगे और अब इसको कहेंगे हम प्राइमरी को प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल सून दिस इज कवर्ड विद जोना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा एंड द ग्रेन्युलोसा सेल्स सिक्रीड द फॉलिकुलर फ्लुड लिकर फॉलिकुलाई विच गेट्स फिल्ड इन द एंट्रम देखिए जो प्राइमरी उइट है अभी तो मैंने बताया कि इसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स से कवर्ड हो जाएगी फिर इसके बाद इसके चारों तरफ जोना पेलोसिडा और कोरोना रेडिएटा अरेंज हो जाएगा ग्रेनुलोसा सेल जो है वो एक फ्लूड सिक्रिएट करेंगे जिसका नाम है लिकर फॉलिकुलाई जो कि जो बीच में स्पेस बनी है कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच में एंट्रम जिसको कहते हैं उसमें ये फ्लूड जो है वो एक्मुलेट हो जाएगा आप डायग्राम देखिए यहाँ पे आपके सामने ग्रेफियन फॉलिकल का बना हुआ है ये डायग्राम मैंने आपको सेकेंड पार्ट में भी समझाया था जहाँ पर मैंने आपको फीमेल रिप्रोड्यूट सिस्टम समझा रहा था तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था फिर से एक बार ये टर्म्स आए हैं तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर फिक्स करा हुआ है अब आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल यानी कि जो प्राइमरी ओसाइट है भी ये डेवलप करेगा तो ये प्राइमरी फॉलिकल है इसी से ओवा बनेगा इसके बाहर आप देखिए जोना पेल्यूसिडा आपको दिख रही है फिर उसके बाहर कोरोना रेडिएटा बीच में एंट्रम और एंट्रम के बाहर आप देखिए मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स आपको दिख रहे हैं ठीक है तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पे आपको जानबूझ के इसलिए यहां पे दिखाया है कि आपको ये सारे पार्ट्स समझ में आ जाए कौन सा पार्ट कहां पर है क्लियर नाउ ऑल नाउल प्रोसेस आर अंडर द इफेक्ट ऑफ एफ एस एच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी देखिए जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये प्राइमरी ऊसाइट और उसके बाद ये सारे सेल्स का बनना प्राइमरी फॉलिकल का बनना एंट्रम और जोना पेल्यूसिडा ये सारे प्रोसेस जो है वो एफ एस एच के कंट्रोल में बन रहे हैं एफ का मतलब क्या हुआ फॉलिकल स्टेमुलेटिंग हार्मोन यानी एक प्राइमरी फॉलिकल को इस्टिमुलेट करना उसको डेवलप कराना किस में डेवलप कराना एक फंक्शनल ओवा में तो ये एफ का, का काम होता है जो कि एंटीरियर पेट्यूटरी से रिलीज होता है ठीक है तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट है टू अ कंप्लीट ओवा ये किस हॉर्मोन के अंडर में है ये एफ के अंडर में है जो कि एंटीरियर पेट्यूटरी से रिलीज होता है प्राइमरी उन्टिन्यूज इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी उन्ड फर्स्ट पोलर बॉडी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्राइमरी ऊसाइट का फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट कब हुआ था बर्थ से पहले फीमेल चाइल्ड की बर्थ से पहले लेकिन वो म्योसिस वन के प्रोफेज वन पर ही रुक गया था और प्योबर्टी के बाद अब ये डिवीजन कंटिन्यू करेगा तो प्योबर्टी के बाद ये प्राइमरी ऊसाइट जो है ये इसका फर्स्ट म्यूट्रिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और ये दो सेल बनाएगा तो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन है दो सेल बन रहे हैं यानी कि दोनों हैप्लॉइड बनेंगे फर्स्ट म्यूट्रिक डिवीजन है ना तो रिडक्शनल डिवीजन है तो दो सेल जो बनेंगे एक सेकेंडरी ऊ साइड बनेगा और दूसरा कहलाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी ठीक है पोलर बॉडी क्या होते हैं क्यों बनते हैं ये भी आपको इसी चैप्टर में इसी टॉपिक में आपको आखिरी बताऊंगा मैं तो पहला जो बनेगा वो सेकेंडरी ऊ साइड हैप्लॉइड फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनेगा ये भी हैप्लॉइड बनेगा क्लियर नाउ द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी जिसको कि ओव्यूलेशन कहते हैं एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट अंडर द इफेक्ट ऑफ एल एच ल्यूटनाइजिंग हॉर्मोन जो ओवा है एग है वो ओवरी से जो रिलीज होता है जिसको कि हम ओव्यूलेशन बोलते हैं रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन वो इसी सेकेंडरी ऊसाइट की स्टेज पर रिलीज होगा यानी कि जब ओवा ओवरी से रिलीज होगा तो उस समय वो फंक्शनल ओवा नहीं होगा वो सेकेंडरी ऊसाइट की स्टेज पर होगा ठीक है और ये ओबुलेशन कराता कौन है ये ओब्योलेशन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कराता है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है द सेकेंड म्योटिक डिवीजन टेक्स प्लेस जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शनल ओवा एंड अ सेकेंड पोलर बॉडी यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिएगा इसको जो सेकेंड न्योर्टिक डिवीज़न है फर्स्ट न्योर्टिक डिवीज़न से क्या बना था सेकेंड्री ओ साइड और सेकेंड्री ओ साइड का क्या हुआ था ओवलेशन से ये रिलीज हुआ था यानी ओवरी के बाहर फेलोपियन ट्यूब में जो स्ट्रक्चर आया था वो क्या था ओवा नहीं था वो वो था सेकेंड्री ऊसाइट अब ये फेलोपियन ट्यूब में आएगा सेकेंड्री ओ साइड सपोज फर्टिलाइजेशन होने वाला है और इस्पॉम पहुँचा तो स्पर्म को सामने क्या दिखेगा ओवा नहीं मिलेगा इसको स्पर्म इस को मिलेगा सेकेंडरी ऊसाइट जिसके बाहर जोना पेल्युसिडा है ठीक है मेम्ब्रेन जिसको कि एग मेम्ब्रेन कहते हैं तो अब स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो इस जोना पेल्युसिडा को ब्रेक करेगा जोना पेल्युसिडा को ब्रेक करेगा बाय मीन्स ऑफ इस मींस एक। एक्रोसोम ठीक है जैसे ही ये स्पर्म जोना पेलुसिडा को ब्रेक करेगा फौरन सेकेंड म्योटिक डिवीज़न इनिशिएट हो जाएगा यानी जब तक स्पॉम नहीं आएगा सेकेंडरी ऊसाइट एज सच वैसे ही रहेगा ओवा में कन्वर्ट नहीं होगा सेकेंडरी ऊसाइट ओवा में तब कन्वर्ट होगा जब वो स्पॉम आकर जोना पेलोसिडा को ब्रेक करेगा तो स्पॉम एक्चुअली इनिशिएट करता है सेकेंडरी उइट को कि उसमें सेकेंड म्योर्टिक डिवीज़न हो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंड म्योर्टिक डिवीज़न जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले होता है इस्पॉम तो अभी आया है ना अभी फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं इस्पॉम अभी आएगा जोना पेलोसिडा को ब्रेक करेगा फिर ओवा के साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता हुआ वो अंदर पहुंचेगा बीच में और वहां पर न्यूक्लियस होगा ओवा का और तब फर्टिलाइजेशन होगा ठीक है तो आप डायग्राम देखिए यहाँ पे सामने स्पॉम्ब दिख रहा है कि जोना पेलोशिडा के पास है अभी ठीक और यहीं पर जैसे ही ये जोना पेलोशा के पास स्पॉम पहुँचा सेकेंड म्योर्ट्रिक डिवीजन शुरू हो गया अब आप देखिए जो बीच का रास्ता है यानी जोना पेल्यूसिडा से लेकर जो ओवा का न्यूक्लियस है इस बीच को जो रास्ता है स्पॉम जब तक ये रास्ता अपना कवर करेगा जितना भी टाइम लगेगा इस्पॉम को जोना पेल्योसिडा से यानी बाउंड्री से लेकर बीच तक आने में बस उतनी देर में सेकेंड म्योटिक डिवीजन हो जाएगा और ओवा बन जाएगा ठीक है और यह जो ओवा है बनेगा क्या इसमें एक फंक्शनल ओवा बनेगा एक बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी ठीक नाउ द पोलर बॉडीज कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ एसेंशियल फॉर द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ये जो पोलर बॉडीज़ बनी है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी इसमें ये आप अगर डायग्राम अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें आप देखिएगा कि पोलर बॉडीज़ जो हैं वो नॉर्मली ऊ साइट और ओवा से छोटी होती हैं तो इसमें छो आ, में जो छोटा होने की वजह से इनमें साइटोप्लाज काफ़ी कम अमाउंट में होता है और ये साइटोप्लाज एम्ब्रियो का जो इनिशियल डेवलपमेंट है अर्ली डेवलपमेंट है उसमें ये हेल्प करती हैं अब इस फ्लो चार्ट से आप पूरा प्रोसेस समझिए उजेनिस का ऊपर देखिए जर्मिनल एपिथीलियम इसमें माइटोसिस होगी ऊगोनिया बनेगा ठीक ऊगोनिया इसमें फिर से माइटोसिस होगी तो बनेगा प्राइमरी ऊसाइट और इस प्राइमरी ऊसाइट का डेवलपमेंट ये जो प्राइमरी ऊसाइट बन रहा है ये कब बन रहा है ये बिफोर बर्थ बन रहा है ठीक है और प्राइमरी ओसाइट से बनना था सेकेंडरी ओसाइट लेकिन मैं आपको थ्योरी ये बताया कि प्राइमरी ओसाइट का डेवलपमेंट जो है जो सेल डिवीजन है वो रुक जाता है प्रोफेज़ वन में मियोसिस के ठीक और ये कब तक रुका रहता है प्यूबर्टी तक तो अब आप देखिए फ्लो चार्ट में प्यूबर्टी के बाद ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये डिवाइड करेगी सेकेंडरी ओसाइट में और फर्स्ट पोलर बॉडी में ठीक है अब सेकेंडरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट जो ओव्यूलेशन होगा ओव्यूलेशन में सेकेंडरी ओसाइट साइट ओवरी से रिलीज होगी और फेलोपेन ट्यूब में आएगी अब अगर स्पर्म आता है यानी फर्टिलाइजेशन अगर होना है और स्पर्म आया तो स्पर्म जैसे ही आएगा और जोना पेल्यूसिडा को टच करेगा आप डाइग्राम में देखिए जैसे ही ये स्पर्म जोना पेल्युसिडा को टच करेगा ब्रेक करने के लिए फ़ौरन इस सेकेंडरी ओसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और जब तक ये स्पॉर्म अंदर पहुंचेगा तब तक सेकेंड मीओिक डिवीजन हो जाएगा तो एक इससे बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा बनेगा जाइगोट। और ये दोनों ही पोलर बॉडीज जो हैं, उनका साइटोप्लाज्म अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में काम आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इज ओवा और एग द मैच्योर ओवा इज अ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन नोन पेलुसिडा विच इज कवर्ड बाय एनदर लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स कॉल्ड कोरोना रेडिएटा देखिए जो मैच्योर ओवा है उसके बाहर एक एग मेम्ब्रेन होगी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जिसको कि जोना पेल्युसिडा कहा जाता है इस जोना पेल्युसिडा के बाहर एक और लेयर होती है जो कि सेल्स की बनी होती है फॉल्यक्यूलर सेल्स की बनी होती है जिसको कि कोरोना रेडिएटा कहते हैं नाउ कोरोना रेडिएटा इज नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन बिकॉज इट्स सेल्स आर पील्ड ऑफ एज द एग डिसेंड द ओवीडक्ट कोरोना रेडिएटा एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती है अगर आपसे बोर्ड्स में पूछा जाए या अगर आप नीट का एग्जाम दें वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ओवा के बाहर कितनी मेम्ब्रेन होती है तो ओवा के बाहर एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसको कि जोना पेलोसिडा कहते हैं कोरोना रेडिएटा ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि ये इर मास ऑफ सेल्स है और जब ये ओवा यानी कि सेकेंडरी ओ साइड जब ये रिलीज होता है ओवलेशन इसका होता है ओवरी से रिलीज होकर फेलोप्रेन ट्यूब में आता है तो ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स जो है वो ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम द ओवा ठीक है द ह्यूमन ओवा इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ योक एंड इज कॉल्ड ए लेसेथल ह्यूम के ओवा में योक एबसेंट होता है और इसलिए इनको बोलते हैं ए लेसिथल एलेसिथल का मतलब है योक एबसेंट होना अब देखिए योग का काम क्या है योग का काम है नरिशमेंट कराना तो योग किन में प्रेजेंट होता है योग उन ओवाए प्रेजेंट होता है उन एनिमल्स की ओवाए प्रेजेंट होता है जिनका डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है बॉडी के बाहर होता है जैसे कि बर्ड्स में तो बर्ड्स के एग में आप योग पाएंगे वहाँ पे आपको योग मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर नरिशमेंट का और कोई सोर्स नहीं है ह्यूमंस में क्या होता है डेवलपमेंट तो इंटरनल हो रहा है तो जितना भी नरिशमेंट है वो तो मदर की बॉडी से डायरेक्ट मिल रहा है तो रिजर्व फूड की या योग की क्या ज़रूरत है तो इसलिए ह्यूमन का जो ओवा होता है वो एले होता है नेक्स्ट ह्यूमन एग लूजेज इट्स एबिलिटी टू बी फर्टिलाइज अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि ओवलेशन के बाद 24 घंटे तक ह्यूमन एग यानी कि जो ओवा है उसकी एबिलिटी होती है कि वो फर्टिलाइज हो सके उसके बाद उस ओवा की एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव एनी डाउट कैन आस्क मी इन कमेंट्स नेक्स्ट टॉपिक ऑन द सेम चैप्टर इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू